आज की बड़ी खबर। इससे पहले 24 इंडिया टीवी में आपका स्वागत है, मैं रिया तिवारी। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां मवेशी लदा ट्रक को प्रशासन ने किया जब्त। दरअसल खबर धनबाद जिले की गलफरवाड़ी ओपी क्षेत्र की है, जहां गौ तस्करी पर अंकुश लगाने को जिला प्रशासन के तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार यूपी से झारखंड होकर बंगाल की ओर पशु की तस्करी जारी है। जहां इसकी गुप्त सूचना मिलने पर गलफरवाड़ी पुलिस ने विगत रात्रि बिहार बक्सर के चौसा से पश्चिम बंगाल के रानीगंज जा रहे मवेशी लदे ट्रक संख्या BR03GA9821 को बाईपास के जगदम्बा पेट्रोल पंप के समीप से जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। वही खबर मिली है कि उक्त वाहन में 18 भैंस, एक गाय व 10 बच्चे लोड थे, जिसमें 3 भैंस व 1 गाय के बच्चे की मौत हो चुकी थी। जहां जब्त सभी मवेशियों को गलफरवाड़ी पुलिस ने जिम्मेनामा पर मुगमा निवासी शंभू यादव को सौंप दिया है। धनबाद से हमारे सहयोगी बुबई घोष की रिपोर्ट।